क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से आपके विभाग के लिए? देखिए, जो बजट आ रहा है वो मैं समझती हूँ जनता को समर्पित बजट होगा और अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट कल राजस्थान की विधानसभा में रखा जाएगा, जो किसानों को, जरूरतमंद लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को, खास तौर से महिलाओं को समर्पित बजट हमारा आएगा। आप लोगों को कल कई नवाचार सुनने को, देखने को मिलेंगे। मैं समझती हूँ प्रदेश की जनता के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाओं के लिए भी बजट बहुत महत्वपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर हमारा बजट इस प्रकार का आएगा कि आप लोगों को लगेगा कि प्रदेश की जनता के हित में बजट लाया गया है। समस्याओं को दूर करने के लिए बजट आया है, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बजट आएगा। और आने वाले समय में आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सब लोगों को, चाहे मीडिया के साथी हों, चाहे राजनीतिक साथी हों, सब लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए एक नवाचार और पहल करनी चाहिए। और प्रदेश किस तरह से भयमुक्त रहे, महिलाओं को, बच्चियों को दरिंदगी का शिकार नहीं होना पड़े, इसके लिए आप और हम सब मिलके प्रयास करें, मैं ये निवेदन आप लोगों के चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। केंद्रीय बजट में नारी से नारायणी का नारा दिया गया, राज्य के बजट में क्या रहेगा महिलाओं के लिए? सिर्फ होती बातें की गई हैं, वही पुरानी बातें दोबारा दोहराई गई हैं केंद्र के बजट में। मुझे नहीं लगता कि कोई केंद्र के बजट में कोई नई चीज़ उन्होंने देश के लिए दी है। जिस तरह का मैंडेट पूरे देश ने उनको दिया, भारतीय जनता पार्टी को, तो उनसे उम्मीदें थी कि कोई बहुत अच्छा बजट देंगे। और रही बात महिलाओं की, तो महिला बाल विकास विभाग का तो पूरे बजट में कहीं नाम ही नहीं आया, मुझे बड़ी निराशा है।